अच्छा बिहारी पान बोटी है, ये क्या रोशनी कबाब है, होनजाई कबाब, और ये हलाल हलाल हदिया हदिया साबल मज्जानी मज्जानी, आ जाओ भाई आ जाओ खाना फ्री। और यहाँ पर ये भाई साहब माशाल्लाह शहर मदीना मुनव्वरा में बादल छाए हुए हैं, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, उम्मीद है कि आज बारिश हो जाएगी। आज के इलाक में हम जी आप सबसे पहले आप दोस्तों को लेके जाएंगे साहिब इकराम रिजवान अल्लाह अन्हुम अजमईन शुहदाए उहद, वहाँ पे जाके उनको सलाम पेश करेंगे। इसके बाद बहुत सारे दोस्त पूछते हैं भाई मतम कराची कहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि दाऊदिया के पास पाकिस्तान का बहुत ही फेमस मतम कराची हुआ करता था, अभी जो उनको चेंज करके ना थोड़ा सा उसका लोकेशन चेंज हुआ है, वहाँ पे कराची का जो लोकेशन है वो भी आप दोस्तों को दिखा देंगे। बहुत सारा कुछ होगा आज की वीडियो में, और जन्नत के पहाड़ पे भी हम हाइकिंग के लिए जाएंगे, वो भी आप दोस्तों को दिखा देंगे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया। काफ़ी बहुत सारी जगहों में लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, इस वजह से ना अभी इसको कार्डन ऑफ कर दिया, ये देखो इस जगह को मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ करके ना इनको महफूज कर दिया गया, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ कुरानी आयात लिखे हुए हैं पत्थर तराश के, और उनका जो है ना ये बाहर भी ये तस्वीर खींच के यहाँ पे भी लगा दिया, ये देखो मुख्तलिफ़ तस्वीरें यहाँ पर लगे हुए हैं और इनके ऊपर कुरानी आयात लिखे हुए हैं, यानी ये नए ज़ियारत दरियाफ्त हुआ है मदीना मुनव्वरा में, आप देख सकते हैं इस पहाड़ को महफूज कर दिया गया और इसके ऊपर कुरानी आयात लिखे हुए हैं। लोकेशन में आप दोस्तों को बताते चलो, ये जबल उहद को जो गाड़ी के में आप ऊपर जाते हैं ना वही रास्ता है, या इस रोड से अक्सर लोग जाते ऊपर, हम भी जाते हैं इसी रोड से। और इनके शुरू में ही ना यहाँ पर ये राइट साइड में ये लोहे भी लगे हुए हैं, आप जब यहाँ पे आ जाएंगे ये आपको दिख सकता है, वो जहाँ पर इस पहाड़ के उस साइड में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाए उहद के बात आराम फरमाए थे उसे। उर्दू में बात करो यार, खजूर में खजूर खिलाता है, और क्या है, चावल है, चावल है, पानी है, मुर्गी है, मुर्गी है। हाँ भाई यहाँ पर सबील लगा होता है ना, ये खैरात ना, हलाल हलाल हदिया हदिया साबल मज्जानी मज्जानी, आ जाओ भाई आ जाओ खाना फ्री। और यहाँ पर ये भाई साहब बुला रहे हैं माशाल्लाह, हुज्जाज आ रहे हैं यहाँ पर है ना माशाल्लाह, ज़ायरीन के लिए यहाँ पर सुफरे का अहतमाम किया गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो जो लोग उमरे पे आते हैं ना, और आप अगर आप यहाँ पर शुहदाए खुद में ज़ियारत करने के लिए आते हैं ना, यहाँ पर साहिब किराम रज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन आराम फरमा रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर जी सबील लगा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें खजूर और पानी असीर, और साथ में चावल के साथ गोश्त भी होता है। किराम रज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन यहाँ पर आराम फरमाए हैं, रात को भी काफ़ी तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं, तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला आप सब देखने वाले सुनने वालों को इन मुक़दस मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। इसके अंदर 70 साहब किराम रज़वानुल्लाह अन्हुम अजमईन आराम फरमा रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अमीन हमजा भी इसके अंदर आराम फरमा रहे हैं। और ये सामने मस्जिद का खूबसूरत व्यू है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम अहले दियार, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बना हुआ है, और अभी इसके यहाँ पर मग़रिब की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यार हमने हाइकिंग करके जब यहाँ पे आए ना, भूख ज़्यादा लगा, तो जो मतम कराची है ना वो थोड़ा सा दूर था, इसलिए हमने इरादा चेंज कर लिया। अभी यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट बना हुआ है मतम टिक्का के नाम से, यहाँ पे जाते हैं, उनका जो फेमस फूड है ना वो हम ट्राई करते हैं।
अब अतीका के पास भाई जो खाना मिलता है ना, पाकिस्तानी, इंडियन, लाहौरी चना है, पाया है, नहारी है, माशाल्लाह हलवा पूड़ी भी है यार इनके पास। क्या ऑर्डर कर ले? हाँ भैया, क्यों हंस रहे हैं यार? ये नया हमने आ गया भाई, कौन सा होटल है ये? बाबा तिक्का। बाबा बाबा गंजाबख्श नहीं है, ठीक है, बाबा तिक्का है। आप बोलेंगे क्या चीज़ अच्छा है, बोले आप बोलो ये ट्राई कर लो। नहीं, आप बोलेंगे हमारा ये चीज़ स्पेशल है। कितने लोग हैं आप? हाँ, दो है। इमरान भाई, अच्छा इमरान भाई, उसने एक दोस्त ने रिकमेंड किया था चिकन कढ़ाई, और आप क्या रिकमेंड करेंगे? आपको चिकन चिकन कढ़ाई करूँगा। चिकन कढ़ाई खाना है तो चिकन में व्हाइट खाइए, मटन रेड खाइए। व्हाइट कल हमने खाया है। हमें बोला भाई आप लोग ऊपर जाके बैठे यार, यहाँ पर किचन में भाई ने क्या क्या बन रहे हैं भाई यहाँ पर, बताओ जल्दी जल्दी। ये कौन सा गोश्त है? ये बिहारी बोन बोटी है। अच्छा, बिहारी बोन बोटी है। ये क्या? रोशनी कबाब है, होंजाई कबाब, और ये तिग्गा बोटी है भाई। और ये क्या है? ये बी बिहारी। बी बिहारी, माशाल्लाह। और ये कौन सा? ये लेग पीस है, माशाल्लाह, ये भी जबरदस्त है। अच्छा, कोड़ा भी है, पिशावरी। पिखावरी कौन से की दे यार, उखो या कना? हाँ, दगा दे, दा पिखावरी, दगा दा, दगा पिखावर दे, हाँ पिखावरी, दा मुर्गी वाला, हाँ चाय उम मंजाल ले पकाओ, हाँ दगा पर चाय उम पके, हाँ जी बोला, हाँ डेर मरे ना नोर सिश, जा सही शु मुंग पोस के नु, हाँ हम ऊपर बैठते हैं ना भाई। हमने इसका किचन भी देखा माशाल्लाह। ये क्या कीमा बन रहा है? ये कीमा बना हुआ है, इसको हंजाई कबाब कहते हैं। अच्छा, हंजाई कभी और कबाब भी रेडी हो रहा है। इधर फैमिली का जो सेटिंग एरिया काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह तबारक रहमान। तो हम कहाँ पे बैठते हैं इमरान? वही पे बैठ जाते हैं। ये हम सेटिंग एरिया ऊपर, इसका काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। वहाँ पकौड़ बाबा तिक्का, बाबा तिक्का के पास आए हैं अभी हम। यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं बाबा तिक्का और अब्दुल मालिक फरीद के पास, और इनका सेटिंग एरिया हमने देख लिया। अभी हम वही चीज़ जो वहाँ पे खाया था ना, वही यहाँ पे ऑर्डर करेंगे और इनका टेस्ट चेक करेंगे। और हम ऑर्डर करते हैं मटन कढ़ाई, ठीक है, हमारा फेवरेट गोश्त फॉर, ठीक है जी, ठीक है। मटन फ्राई में इसमें ना, तो ठीक है हम जी, आप ठीक है, ठीक है जी। माशाल्लाह तबारक रहमान, हमारा हागिया खाना जी, फ्रेश है ना ये सारा? हाँ, ये तो सॉसेज तो हटे हैं माशाल्लाह। तो ये आ गया जी हमारा, ये हम खुद बनाते हैं। अच्छा, मटन कढ़ाई आ गया, ये पाकिस्तानी बकरे का गोश्त है ना जी? अच्छा, पाकिस्तानी बागरे का गोश्त है, मटन कढ़ाई और साथ में सलेट है, और यहाँ पर चटनी है। और ये क्या है? माशाल्लाह, ये भी आ गया दो कस्म का, और साथ में इन्हीं का प्लेट है, और सर्फ काफ़ी अच्छे अंदाज में। वो भी ले आओ ना ठंडा, ठीक है, वो हम ज्यादा ले आना, ठीक है, सोना फिर चलो दोनों। पहले हमने अब्दुल मालिक फरीद साहब का खाया था ना, अभी यहाँ पर बाबा टिक्का का चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं माशाल्लाह। तो ये पाकिस्तानी बकरे का गोश्त है माशाल्लाह, और ये जी इनका नान है, नान भी काफ़ी अच्छा है, छोटा छोटा नान है, काफ़ी साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। क्या नाम है भाई? मोहसिन। कहाँ से? पिंडी, माशाल्लाह, ठंडे इलाके का जी, माशा। चलो ओके, थैंक यू। ये आगे जो मटन कढ़ाई के साथ चेक करते हैं इनका मटन कढ़ाई, माशाल्लाह तबारक, काफ़ी ज़बरदस्त है भाई टेस्टिंग की के साथ। देखते हैं कि सॉस भी है दो, छोटा छोटा, एक ये वाइट है और ये पुदीना का बना हुआ है मेरे हिसाब में। अभी थोड़ा सा सॉस के साथ चेक करते हैं, ये सॉस को ना इसी होटल का स्पेशल है, चटनी
समझा मेरे सोच के साथ थोड़ा देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया है भाई, उसके साथ मिर्च सब उस मिर्च का मिक्स किया हुआ है ये सॉस के साथ और टेस्ट दोबारा कर देता है माशाल्लाह। और ये दूसरा वाइट कलर का सॉस है, इनके साथ भी चेक करते हैं। माशाल्लाह ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पर सेलेब भी है इनके। और इसने ये सॉस जो बना है ना इसके अंदर सब मिर्च का इस्तेमाल हुआ है। लोकेशन थोड़ा सा आप दोस्तों को बता दो, वो दाऊदिया का बड़ा बिल्डिंग है ना, ये आप देख रहे हैं। और दाऊदिया के बिल्डिंग से ये रोड जो शुहदाए खुद को जो रोड जा रही है ना, वहाँ से तकरीबन यहाँ पर कोई 300 मीटर के फासले पर ये है जी बाबा तिक्का के नाम से ये रेस्टोरेंट है। ये इनका लोकेशन हो गया, ठीक है जी। बाकी रेट के हिसाब से टेस्ट इनका काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अब्दुल मालिक फरीद साहब का जो मटन कढ़ाई का जो टेस्ट है ना, इससे बहुत ही आला था, बहुत ही आला था। लेकिन इनका जो सेटिंग एरिया है वो काफ़ी अच्छा है और जो सर्व करते हैं ना वो काफ़ी बेहतर अंदर करते हैं। तो रेट जो है ना, यहाँ का जो रेट है तकरीबन 58 रियाल है और मलिक साहब का जो मटन कढ़ाई का रेट है वो 50 रियाल है। तो चले जी, आज के वीडियो इधर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।